हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पालक पनीर की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ सब्जी वो बहुत ही शॉर्टकट है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो पालक लिया है, जहाँ तक कच्चा था वहाँ तक मैंने काट लिया है, और इसको 15 मिनट नमक के पानी में डाल के मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। 15 मिनट पहले भिगाया, उसके बाद धोया मैंने इसको अच्छी तरह से। अब मैं इसे एक गिलास पानी में उबालूंगी। एक गिलास पानी में ही इसको उबालना है। इस दौरान जो हमारी आंच होगी वो मीडियम होगी। अब मैं इसे ढक दूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, आधा चम्मच छोटे चम्मच से, और छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। अब मैं इसे ढक दूंगी। ढक के कम से कम 5 से 6 मिनट में मीडियम आंच पे इसको उबालूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से उबल गया। अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसका जो पानी बच जाएगा उसे फेंकना नहीं है, वो सब्जी में डालने के काम आ जाएगा। ये मैंने निकाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे पीस लूँगी। ये मैंने पीस लिया है। इसमें पीसते समय मैंने वही पानी डाला था जिसमें मैंने उबाला था, उस पानी को फेंकना नहीं है। इसमें डाले जाने वाली सामग्री इस प्रकार है। 150 ग्राम मैंने पनीर लिया, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिया है, और थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने जिसे मैंने कूट लिया है, एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, हरा धनिया, गरम मसाला में मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता लिया है, एक दालचीनी लिया छोटा सा टुकड़ा, और 2 इलायची लिया है, 4 लौंग लिया है मैंने, नमक मैंने स्वाद अनुसार लिया है, मसाला मैंने घर पर ही तैयार किया है जिसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा पाउडर है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 12-13 मैंने काजू लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज लिया जिसे मैंने काट लिया है, 2 हरी मिर्च लिया जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है। अब मैं कढ़ाई गरम करूंगी, और इसमें 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। आप जो भी रिफाइंड खाते हो डाल सकते हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें गरम साबुत गरम मसाले डाल दूंगी। अब मैं प्याज डालूंगी। लहसुन अदरक डालूंगी। इसमें मैंने कोई क्रीम का प्रयोग नहीं किया है। जब ये हल्के भूरे रंग का हो जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। नमक डाला है मैंने इसमें, नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हम पालक में पहले डाल चुके हैं नमक, इसलिए इतना नमक डालें जो मसालों में आ जाए। काजू डालूंगी,
इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर डालूंगी, मसाला डालूंगी, हल्दी डालूंगी, इसमें आधा कप मैं पानी डालूंगी और मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी। इसमें आप मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से पक गया है। हरी मिर्च डाल दूंगी, जब मसाला अच्छे तरह से पक जाएगा उसके बाद हम हरी मिर्च डालेंगे। धनिया पत्ता डालेंगे, मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें पालक डालूंगी जिसे मैंने पीस रखा है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। मीडियम आंच पे ही पकाना है, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। पनीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट ही इसको उबालना है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। यह हमारी पालक पनीर की सब्जी तैयार है।